तो हुआ क्या, एक बार गुरु गोरखनाथ पहुंचे गंगा किनारे ये जानने के लिए कि कबीर किसके प्रेम में लीन है। एक का नाम था सत्य और एक का नाम था कहानी। बराबरी घर की मुर्गी दाल बराबर। कबीर के घर वाले जो थे वो उनसे खुश नहीं थे, खास तौर पर उनकी अम्मा। अब मैंने कह रहा गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा, आप बताते हैं कि वहाँ लिखा ये है कि उनकी अम्मा जो भी अपने बेटे से अपनी बहू से चिक 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 करती रहती। अब जहाँ माँ मुझे एक तरफ कबीर को भुलवाने में लगी आ रही, बचपन में स्कूल में हमें पकड़ पकड़ के कबीर के दोहे याद करवाए। बात बस इतनी है कि लोगों को सच देखने की आदत नहीं है और नंगा सच तो बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर तुम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहती हो तो तुम्हें कहानी का हाथ थामना होगा, सत्य की खूबसूरती को कहानी की खूबसूरती में ढालना होगा।